सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.1 कम्प्लीट पढ़ाऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम इस समीकरण का मतलब समझ लें कि समीकरण क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों एक्स प्लस सेवन, ये मैंने यहाँ लिखा, क्या ये एक समीकरण है? नहीं है। अगर हम इसमें बराबर का चिन्ह लगाकर यहाँ जीरो लिख दें तो ये क्या हो जाएगी, एक समीकरण हो जाती है। ठीक है बच्चों, समीकरण इसे कहते हैं। ये जो होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इसे हम कहते हैं चर, और जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं अचर। क्लियर। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब बच्चों क्या होता है, समीकरण में जहाँ पर भी एक चर दिया होगा उस चर का हमें मान निकालना है। ठीक है, बस इतनी सी इसमें बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक दो चीज़ें समझ लें। सबसे पहली बात बच्चों, समीकरण में जितनी भी संख्याएं दी होंगी, संख्याएं जिन्हें हम अचर कहते हैं, इनको हमें क्या करना होगा, ये बराबर का जो चिन्ह है इसके इस ओर रखना होगा। इसे हम कहते हैं आर एच एस, यानी राइट हैंड साइड, और इस ओर को हम कहते हैं एल एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो रहेंगी आर एच एस में, और जितने भी चर यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड वो रहेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। सेकंड बात, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, यदि किसी चर के साथ में एक्स वाई जेड ए बी सी डी इनके साथ में कोई संख्या प्लस या माइनस में दी हुई है, तो जब हम उसकी साइड चेंज करके उसे राइट हैंड साइड में लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि एक्स के साथ कोई संख्या प्लस में दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक्स के साथ प्लस में दी हुई है साथ, तो जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस की, और यदि एक्स के साथ कोई संख्या माइनस में दे रखी है अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस की। ठीक है बच्चों। थर्ड बात बच्चों, यदि कोई भी संख्या किसी भी चर के साथ में गुणा में दे रखी है, और गुणा में कैसे दे रखी होगी, इस टाइप से लिखी हुई होगी 3x। ठीक है, तो यहाँ 3 जो है x के साथ गुणा में है, तो आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी संख्या किसी भी चर के साथ गुणा में दी होगी तो हम क्या करेंगे, जब उसकी साइड चेंज करेंगे तो वो संख्या हमेशा इधर आने के बाद बटे में आएगी। ठीक है। अगली बात, यदि कोई भी संख्या किसी भी चर के साथ में बटे में दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यदि हम इस संख्या की साइड चेंज करेंगे तो ये हमेशा गुणा में जाएगी, x बराबर 0 गुणा 3। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब बात कर लेते हैं, यदि समीकरण दिया हो 2x + 7 = 0, चलो यहाँ बटे में भी हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से दिया हो, तो सबसे पहला हमें काम करना होता है जो माइनस प्लस की संख्या होती है उसकी साइड चेंज करते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 2x / 3 = -7। ठीक है, उसके बाद हम बटे में जो संख्या दे रखी होती है उसकी साइड चेंज करते हैं, तो 2x - -7 × (बटे की संख्या) गुणा में जाएगी। ठीक, लास्ट में हम जो संख्या गुणा में दे रखी होती है उसकी साइड चेंज करते हैं तो ये जाएगी बटे में। ठीक है बच्चों, इतनी बात है, बस इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो आप सारी ही ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बच्चों सवाल शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए पहला सवाल, समीकरण को हमें हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है, दिए गए चर की वैल्यू निकालना। तो यहाँ चर क्या दिया है, एक्स, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी। तो एक्स बराबर यहाँ 7 लिखा है और ये माइनस का साइड चेंज करके हो जाएगा प्लस का, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। सेकंड, किसकी वैल्यू निकालनी, बाई की, तो बाई बराबर यहाँ 10 लिखा है, ये प्लस में है तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो बाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 7। ठीक है। सवाल नंबर थर्ड,
सबसे पहले आप क्या करें, जेड प्लस दो को इधर लिख लें और इसको इस साइड में लिख लें, यानी दोनों की साइड चेंज करके लिख लें। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जेड की। तो जेड बराबर यहाँ पर 6 है, ये प्लस का 2 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 4। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी। तो एक्स बराबर यहाँ लिखा है 17/7, ठीक है, और ये जो संख्या है 3/7, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके आगे हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। जब प्लस की संख्या को इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की 3/7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ठीक है। अगर हमारे हर समान हों तो ऊपर जो संख्याएं दे रखी हैं अगर वो घट रही हैं तो उन्हें हम घटा देंगे और जुड़ रही हैं तो जोड़ देंगे। 17 - 3 है, यानी घट रही हैं तो हम घटा देंगे। 17 - 3 जाएगा, 14 बचेगा, और बटे के दोनों सातों की जगह हम 1/7 लिख देंगे, ठीक है। तो x बराबर 14/7। अब यहाँ पर 7 के पहाड़े से 14 दो बार में विभाजित हो जाता है, तो इसे भी हम विभाजित कर लेंगे, तो हमें एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सवाल नंबर पाँच है 6x = 12। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, एक्स की। तो एक्स बराबर यहाँ पर 12 लिखा, 12 लिख देंगे, और एक्स के साथ ये 6 किस में, गुणा में, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। 6 से 12 दो बार में विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो इसे विभाजित कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 2। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 है t/5 = 10। वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की। टी बराबर कितना है, 10। बटे की संख्या कहाँ जाती है, गुणा में, इसे गुणा में ले जाए 5 को, तो टी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 50, ठीक है, आंसर हो जाता है ये। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं बच्चों। सवाल नंबर 7 है 2x/3 = 18। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x की। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटे की संख्या को इधर ले जाएंगे। अगर प्लस की संख्या नहीं दे रखी है, बटे की दे रखी है, तो सबसे पहले बटे की संख्या जाएगी। तो 2x बराबर यहाँ लिखा 18, और बटे की संख्या कहाँ चली जाती है, गुणा में, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 × 3। अब ये कहाँ है, गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, ठीक। 2 से 18 को 9 बार में विभाजित किया जा सकता है, तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 × 3 = 27। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 8 करते हैं। इसको आप पहले लिख लें, 22/1.5 = 1.6। ऐसे साइड चेंज करके हम लिख सकते हैं, इससे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू हमें निकालनी बाई की, तो बाई बराबर कितना लिखा है, 1.6। जब ये साइड चेंज करेगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में 1.5। इन दोनों की आप गुणा कर दें, 1.6 × 1.5, हम 0.5 को भूल जाते हैं और 16 × 15 करते हैं, तो ये हो जाता है 240। अब हमें 0.5 लगाना है। देखिए यहाँ पर 0.5 के बाद एक अंक है, और यहाँ पर भी 0.5 के बाद एक अंक है, अतः हम क्या करेंगे, इस संख्या में बाईं ओर से इधर से 2 अंकों के बाद 0.5 लगा देंगे, 1, 2 यहाँ पर, ठीक है। तो बाई की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो जाती है। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। 7x - 9 = 16। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x यहाँ लिखा रहने दें, इधर बराबर में 16 लिखा है, 16 लिख दें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वाली संख्या इधर लाते हैं, तो ये माइनस का है, यहाँ आने से ही प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 7x बराबर प्राप्त हो जाएगा 16 × 9 = 25, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 25, और ये x के साथ जो 7 है, ठीक है, वो किस में, गुणा में, तो गुणा की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। 7 से 25 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। 14y - 8 = 13। 14y बराबर है यहाँ 13, माइनस का 8 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 14y हमें प्राप्त हो जाएगा 21, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, 21, और ये 14 कहाँ चले जाएंगे, बटे में, ठीक है। कौन सी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट सकती है, 7, 7 × 3 = 21, और 7 × 2 = 14। हमें एक ही संख्या से ऊपर नीचे विभाजित करना होता है, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2। अब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगी, अतः आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। सवाल नंबर 11 है 17+6p = 9। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की। तो हमें यहाँ 6p लिखा रहने दें, बराबर 9, ठीक है। ये देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो किसका चिन्ह है, प्लस का। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 17। तो 6p बराबर हमें प्राप्त होगा, ये प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, ठीक। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का चिन्ह होता है, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं। 17 में से हम 9 घटाएंगे तो हमें माइनस का 8 प्राप्त होगा,
तो पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आठ बटे छः। अब दोनों कौन सी संख्या से कट जाएंगी, दो से, दो चौक आठ और दो तियाँ छः, तो हमें पी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी माइनस चार बटे तीन। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, एक्स बटे तीन प्लस एक बराबर सात बटे पंद्रह, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो यहाँ एक्स बटे तीन लिख दें बराबर सात बटे पंद्रह है, सात बटे पंद्रह लिखें, ये प्लस का एक जब इधर आएगा माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये सात का सात लिख दें, माइनस का माइनस लगा दें, पंद्रह और एक की गुणा कर दें, तो पंद्रह एक कम पंद्रह हो जाता, और पूरे के बटे में ये पंद्रह आप लिख सकते हैं। ठीक, तो हमें एक्स बटा तीन बराबर इतना प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, सात प्लस का है और 15 माइनस का, तो क्या होगा, घट जाएगा। 15 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8। चिन्ह उस संख्या का आता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो बटे 15, तो हमें x बटे 3 बराबर प्राप्त हो गया माइनस 8 बटे 15। हमें x निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8, ये बटे की संख्या इधर आने पर ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा में आएगी, बटे 15। 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15, 3 के पहाड़े से 5 विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस आठ बटे पाँच, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।